तो दोस्तों आज का तुम्हारा भाई लेकर के एक बार फिर से न्यू कमाल का ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेकर के। सो दोस्तों आप लोगों ने KGF चैप्टर 2 मूवी जरूर देखा होगा। सो दोस्तों अगर आपने ये मूवी देखा है तो दोस्तों इसमें आप लोगों ने यह डायलॉग तो जरूर सुना होगा, एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मिला कर दूंगा माँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में गाइस इसी डायलॉग के साथ बहुत ही कमाल के म्यूजिक के साथ दोनों को अटैच करके बनाया हूँ बहुत ही कमाल का ट्रेंडिंग लिरिक्स स्टेटस एंड गाइस बहुत ही कमाल का ट्रांजेक्शन यूज किया गया है। सो दोस्तों चलिए फटाफट से प्रीव्यू देख लेते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस तरह का और एडिटिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिस बेल को ऑल प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए इस फटाफट से हम प्रीव्यू देख लेते हैं। एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मिला कर दूंगा माँ। दोस्तों आज के स्टेटस में जो आपने देखा है स्टार्टिंग में आपको देखने को मिला होगा लिरिक्स इफेक्ट के साथ बहुत ही कमाल कमाल की वीडियो क्लिप के साथ इसमें न्यू इफेक्ट ट्रांजेक्शन का यूज किया गया है। सो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो दोस्तों वीडियो में एंड तक बनी रहेगा, आपको पूरा फुल ट्यूटोरियल आज की वीडियो में देने वाला है। सो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस तरह का और एडिटिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल प्रेस कर लीजिएगा। सो दोस्तों इस प्रकार के स्टेटस क्रिएट करने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों, जिसका नाम है अलाइट मोशन, या आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा। अगर आपको इसका मोड वर्जन चाहिए तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पीने वहां से करके आप ले सकते हैं। दोस्तों इसमें जो भी मटेरियल वगैरह यूज होगा सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले गाइस अपना अलाइट मोशन को आपको इस प्रकार से ओपन कर लेना होगा। जैसे आप हमारे सॉन्ग बीट मार्क इफेक्ट पर लिंक पर क्लिक करेंगे आपको सीधे यहां पर इंपोर्ट कर देगा। एंड गाइस और भी मटेरियल हमारा डाउनलोड करने के बाद आपकी गैलरी में शो हो जाएगा। सबसे पहले गाइस आपको प्लस के बगल में अपने प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना होगा। एंड गाइस यहां पर आपको सॉन्ग बीट मार्क इफेक्ट नाम का दो प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको सॉन्ग बीट मार्क को ओपन कर लेना होगा, आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा सब बीट मार्क सेट है, ठीक है। कैसे कैसे करना है सो गाइस वीडियो में एंड तक बनिएगा, एक भी पार्ट स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप लोग को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एंड गाइस यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक कर देना होगा और मीडिया पे जाना है। एंड गाइस यहाँ पर आपको इस प्रकार से मटेरियल चार मटेरियल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको इस प्रकार का मटेरियल देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एंड गाइस इस पर आपको क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। एंड गाइस आपको एरो पे क्लिक करके इस प्रकार से आना है और यहाँ से बचे हुए भाग को इस प्रकार से कट कर देना होगा। एंड गाइस यहाँ पर आपको जो वॉल्यूम दिख रहा है इस पर इस वॉल्यूम को आपको इस प्रकार से इस तरह से जीरो कर देना होगा, ठीक है। एंड गाइस जितना आपको कर देने के बाद आपको इस पर क्लिक कर लेना और इस पर थ्रेड पर क्लिक करके फिर कौन से पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। एंड गाइस को इस प्रकार से इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद जो लिरिक्स लिखा हुआ है आपको इस तरह से आपको रहने देना है, ठीक है। एंड गाइस इतना आपको कर देने के बाद अभी इस पर बहुत सारा काम बाकी है तो वीडियो में कंटिन्यू बने रही है। एंड गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको आ जाना है स्टार्टिंग में, फिर आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है। एंड गाइस मीडिया भी जाना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से आपको एक PNG, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। और मूवमेंट ट्रांसफर जाना और यहाँ से इस प्रकार से इसको इस तरह से क्लिक करना है और जो स्क्रॉल बार दिख रहा है आपको इस प्रकार से इसको जूम कर देना होगा। एंड गाइस ऊपर आपको दिख रहा है इस प्रकार से आपको क्लिक कर देना होगा। एंड गाइस यहाँ पर आपको इस तरह से आपको कर लेना है। एंड गाइस एरो पे क्लिक करके इस प्रकार से आपको आना है जहाँ तक लिरिक्स लिखा हुआ है, यहाँ तक इस PNG को इस प्रकार से आपको मिला देना होगा, ठीक है। और मिलाने के बाद आपको स्टार्टिंग पोजिशन पे आना है और यहाँ पर आपको इस प्रकार से ये दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। एंड गाइस यहाँ पर आपको दिख रहा है मूवमेंट ट्रांसपोर्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और गाइस यहाँ पर आपको दिख रहा है इस प्रकार से प्लस पे क्लिक करना है, प्लस का जो की इस पर आपको क्लिक करना है और स्टार्टिंग में आपको आ जाना है। एंड गाइस यहाँ पर आपको आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है प्लस पे क्लिक करना है और गाइस यहाँ पर आपको इस तरह से आपको स्क्रॉल करके इस तरह से कर देना होगा। एंड गाइस इतना आपको कर देने के बाद कुछ इस तरह से हमारा देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर भी आपको बहुत सारे इफेक्ट वगैरह भी ऐड करने हैं, ठीक है। गाइस इतना हो जाने के बाद आपको अभी और क्या करना है वो भी आपको बताएंगे, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा इस तरह से लिरिक्स, ठीक है। तो गाइस अभी इस पर इफेक्ट भी लगाना बाकी है, सबसे पहले आपको इस तरह से स्क्रॉल करके आगे आना है। एंड गाइस यहाँ पर आपको जो फोटो इसमें यूज़ होगा आप चाहे तो यहाँ पर अपना फोटो या फिर अपने माँ जी का फोटो यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको जितने बीट देख रहे हैं सभी पर आपको फोटो ऐड करना है। उसके ऐड करने के लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ पर आपको अपने जहाँ भी आप फोटो रखे रहेंगे आपको अपना ओपन कर लेना है। मेरा यहाँ पर है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और थर्ड पे क्लिक करके इस प्रकार से फिर पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देंगे, ठीक है। एंड गाइस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से इस तरह से इसको मिला देना है। गाइस यहाँ पर आपको सभी फोटो को इस प्रकार से ऐड कर लेना होगा। सो गाइस यहाँ पर मैं 6 फोटो को ऐड कर लेता हूँ फटाफट से, ठीक है। उसके बाद आपको बताऊँगा कि इस पर इफेक्ट कैसे कैसे लगाना है। एंड गाइस इसमें और भी मटेरियल जो कैसे ऐड होगा वो भी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं इस तरह से फोटो को ऐड कर लिया हूँ, ठीक है।
एंड गाइस यहाँ पर मैं इस तरह से फोटो को ऐड कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं किस प्रकार से फोटो ऐड हो जाएगा। एंड एरो पे क्लिक करके इस प्रकार से आपको इस तरह से कर लेना होगा। गाइस यहाँ पर अभी 3 फोटो और बाकी है, तो यहाँ पर मैं सभी जगह फोटो को ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि इस पर जो मटेरियल वगैरह है सब कैसे लगने वाला है। सो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिए। हमने इस प्रकार से फोटो वगैरह सब ऐड कर लिया है, अभी इस पर सब वीडियो क्लिप वगैरह ऐड करना है, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। पर सबसे पहले आपको प्लस पे क्लिक करना है, गाइस मीडिया पर जाना है और यहाँ पर आपको सब मटेरियल देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके इस प्रकार से ऐड कर लेना है। गाइस यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा इस प्रकार से बिजली वाला करंट, ठीक है, ये बिजली वाला करंट आपको इस प्रकार से ओपन कर लेना होगा। एंड गाइस यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, थर्ड पे क्लिक करके फुल स्क्रीन इस प्रकार से कर देना है। एंड गाइस इस पर जाना है मूवमेंट ट्रांसपोर्ट पे, और जो तीसरा दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके इस प्रकार से आपको जूम कर लेना होगा, ठीक है। एंड गाइस इस तरह से करने के बाद आपको इस जो ऊपर दिख रहा है इस पर क्लिक करके इस तरह से आपको इस तरह से इसको मिला देना है। एंड गाइस आपको लास्ट पोजीशन पे आना है, ठीक है, लास्ट वाला जो बीट है इस पर आना है और यहाँ से इस प्रकार से क्लिक करके बचे भाग को इस प्रकार से कट कर देना होगा। एंड गाइस यहाँ पर जो आपका ये वीडियो क्लिप दिख रहा है आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर दिख रहा है इस तरह से इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर स्क्रीन दिख रहा है आपको इस तरह से इसको स्क्रीन कर देना होगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर इतना आपको कर देने के बाद अभी आपका और भी काम बाकी है, सो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिए। एंड गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आपको जब जहाँ जहाँ पर फोटो हमारा ऐड है यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमारा फोटो ऐड है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपका और वीडियो क्लिप ऐड होगा, तो प्लस पे क्लिक करना है एंड मीडिया पर जाना है और यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा इस प्रकार से ये वाला वीडियो क्लिप, तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। एंड गाइस यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा ये वीडियो क्लिप, तो आपको लास्ट में आना है जहाँ तक आपका बीट दिख रहा है, यहाँ पर आना इस प्रकार से इसको यहाँ से तक आपको मिला देना है, बचे भाग को इस प्रकार से कट कर देना है, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर आपको आना और इस प्रकार से आपका जो बिजली वाला करंट है आपको इस तरह से नीचे करना है, इसको स्क्रॉल करके इतना नीचे कर देना है, ठीक है। एंड गाइस इस वीडियो क्लिप पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा डार्क, ठीक है, इस पर क्लिक करके आपको इसको मल्टी कर देना है। एंड गाइस यहाँ पर आपको इस तरह से नए नए इफेक्ट के साथ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड गाइस फिर आपको आना इस पर अभी इफेक्ट वगैरह लगाना बाकी है, तो मैं अब फटाफट से इफेक्ट भी लगा कर आपको दिखा देता हूँ। आपको गाइस पैक कर लेना है और यहाँ पर आपको सही इफेक्ट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको इस तरह से जो दिख रहा है लेटर वाला इफेक्ट, ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। एंड गाइस आपको दिख रहा है इफेक्ट इस तरह से क्लिक करना है और थर्ड पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। फिर आपको गाइस पैक करना है, अपने सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना है, यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा इस प्रकार जो हमने बीट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करके इस प्रकार से कर देंगे तो हमारा जो है इस तरह से यहाँ तक आ जाएगा। फिर आपको आ गया ना इस प्रकार से, इसमें जितने लिरिक्स है सभी पर इस प्रकार से इफेक्ट इस तरह से लगा देना है। एंड गाइस इतना आपको हो जाने के बाद फिर आपको आ गया ना है इस प्रकार से आ गया ना, और यहाँ पर आपको फोटो पे इफेक्ट ऐड करना है। गाइस आपको बैक करना है और यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा सेग इफेक्ट, इस पर क्लिक करना है। सबसे पहला जो इफेक्ट दिख रहा है आपको इस पर इस तरह से क्लिक करना है और थर्ड पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है। फिर गाइस आपको सॉन्ग बीट मार्क में आना है और यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा जो फोटो, ठीक है, आपको सबसे पहले वाले फोटो पे क्लिक कर लेना है इस तरह से और थर्ड पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है। कुछ इस प्रकार से हमारा जो है इस तरह से आएगा। फिर आपको वन फोटो को छोड़ करके जो दूसरा फोटो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, इस प्रकार से आपको ऐड कर देना है। फिर आपको वन फोटो छोड़ करके आपको सेकेंड फोटो पर इस प्रकार से ऐड कर देना है, ठीक है गाइस। फिर से आपको बैक करना है और अपने सेकेंड में आना है, इस प्रकार से आपको जो दूसरा वाला इफेक्ट दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेना है और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है। फिर आपको इस पैक करना है, अपने सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना है गाइस। यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा जो वन फोटो पर इफेक्ट लगा चुके हैं एंड जो सेकेंड वाला हमारा बच रहा है तो इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके इस प्रकार से पेस्ट कर देना है। फिर आपको गाइस वन छोड़ करके आपको इस प्रकार से आना है, इस पर क्लिक करना है, इस तरह से पेस्ट कर देना है। एंड गाइस इस पर भी आपका इफेक्ट ऑलरेडी लग गया है, तो यहाँ पर भी आपको आ गया ना जो लास्ट फोटो आप अटैच किए हैं इस पर क्लिक करके इस प्रकार से इफेक्ट को ऐड कर देना है। एंड गाइस यहाँ पर हमारा इफेक्ट के साथ लिरिक्स के साथ सारा स्टेटस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको प्ले भी करके दिखाया था, उस तरह का हमारा स्टेटस कम्प्लीट हो चुका है जो कि आप प्रीव्यू में ऑलरेडी देख चुके हैं। सो गाइस यहाँ पर हमारा अभी इसे क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है, तो आपको सेटिंग के बगल में बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसे इस तरह से क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये आपका मात्र 5 से 6 मिनट में एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।